नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोशनजीत और आप देख रहे हैं प्रोश प्रेजेंट। पिछले कुछ वीडियो में मनकचर की जर्नी वीडियो के लिए काफी सारे कमेंट्स देखने के बाद आज मैं निकल पड़ा मनकचर की ओर। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं गुवाहाटी से दुधनोई पाइकान टूर्रा बागापारा होते हुए असम की साउथ सालमारा मनकचर जिला में स्थित मनकचर तक मेरा बस से सफर का एक्सपीरियंस के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मनकचर जाने के मकसद से शाम के करीब 4:30 बजे में गुवाहाटी ISBT में पहुंच गया और आज का ये जर्नी में साल 2024 की सितंबर महीने की फर्स्ट वीक में कर रहा हूं। तो ये है मेरा बस जिसके माध्यम से आज मैं यात्रा करने वाला हूं। इस बस का नाम है रायहन, जो इस गुवाहाटी मनकचर रूट का काफी पुराना ऑपरेटर है, जो फिलहाल रॉयल टूर्स एंड ट्रेवल्स के अंतर्गत चल रही है। रेड बस ऐप पर मुझे गुवाहाटी से मनकचर तक चलने वाले एक भी बस नहीं मिला, पर यहाँ ISBT में मुझे इस रायहन ट्रेवल्स के अलावा मनकचर की कुछ और बस मिला। तो ये है इस बस का केबिन जिसमें इस बस का स्टाफ बैठे हैं। और ये है इस बस का अंदर का हिस्सा जहाँ 2x2 पुशबैक सीट है, जो कवर के साथ अच्छा लग रहा है। और इस बस के अंदर लाइटिंग भी अच्छा खासा किया गया है। और ये है इस बस में मेरा आज का सीट। इस बस के अंदर ऊपर की ओर लगेज वगैरह रखने के लिए स्पेस, गर्मी से बचने के लिए फैन, खिड़कियों पर पर्दे, सीट पर हैंडल, वाटर बोतल होल्डर, फुट रेस्ट और USB चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। पर फिलहाल ये चार्जिंग सॉकेट वर्किंग कंडीशन पर है या नहीं, ये मैंने अब तक नहीं देखा। और इस बस में करीब 40 सीट है और ये एक नॉन AC बस है। मेरे ख्याल से फिलहाल इस गुवाहाटी मनकचर रूट पर एक भी AC बस नहीं चलती है। गुवाहाटी ISBT से शाम के करीब 7:30 बजे हमारी बस अपने गंतव्य के ओर निकल पड़ा। अगर रास्ते में हम लेट ना हुए तो कल सुबह करीब 5 बजे हम मनकचर पहुंच जाएंगे। इस बस का टाइम टेबल, किराया और इस बस का टिकट आप लोग कैसे बुक कर पाएंगे, ये सब मैं आगे बताने वाला हूँ। गुवाहाटी ISBT से हमारी बस ने सीट कैपेसिटी से कुछ कम पैसेंजर लेकर निकली है। वैसे गुवाहाटी से टूरा तक मैं ऑलरेडी दिन में सफर करके एक वीडियो बना चुका हूँ। आज भी हम उसी रूट से होते हुए जाएंगे। अगर आप में से किसी ने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो की आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे ये बस किसी दूसरे रूट से होते हुए चलती है, पर फिलहाल उस रूट पर शायद किसी ब्रिज का काम चलने की वजह से पिछले कुछ दिनों से टूरा होके ये बस चल रही है। और मुझे भी पहले से पता नहीं था ये जो बस पिछले कुछ दिनों से टूरा होके चल रही है। अगर मुझे पहले से पता होता तो आज दोबारा मैं इस रूट से होते हुए सफर करने के लिए नहीं आता, मैं कुछ दिन बाद आता। खैर, अब टाइम हो रहा है रात के करीब 10:30 और हम विजयनगर छोयगांव बोको दुबधरा पार करके दुधनोई में पहुंचे हैं। दुधनोई को पार करके कुछ आगे बढ़ने के बाद अब हम पाइकान में पहुंचे हैं। रात के करीब 11 बजे पाइकान की ग्वालपारा रोड पर स्थित इस होटल पोलोकाटा में हमारी बस डिनर के लिए रुका। तो मैंने यहाँ एक प्लेट रोटी लिया। इस प्लेट पर मुझे ये तड़का आलू का भुजिया, प्याज, मिर्चा और ये दो गर्मा गर्म रोटी मिला। खाना का टेस्ट बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता, पर हाँ खाया जा सकता है। तो यहाँ 2 पीस रोटी, तड़का और 1/2 लीटर पानी के साथ मेरा बिल 60 रुपया हुआ। और रोटी के अलावा यहाँ चावल भी मिलता है। चलिए अब इस बस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ये एक अशोक ललन की BS6 चेसिस पर पंजाब में स्थित गोविंद बॉडी बिल्डर्स ने इस बस का बॉडी बनाया। करीब 30 मिनट इस होटल में रुकने के बाद फिर से हम चल पड़े अपने गंतव्य के ओर। पाइकान को पार करके कुछ आगे बढ़ने के बाद अब हम मेघालय के अंतर्गत स्थित बाजेंगडोबा में पहुंचे हैं।
चलिए अब इस बस का किराया और टाइमिंग से जुड़ी बातें कर लेते हैं। गुवाहाटी से मानकाचर तक आज इस बस का किराया मेरा 400 रुपया पड़ा। और इस रायहान ट्रेवल्स की टिकट बुकिंग या कोई कॉम्प्लेन के लिए बस में दिया गया इन नंबर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। बात करूं अगर इस बस का टाइमिंग की, तो फिलहाल ये बस गुवाहाटी ISBT से शाम के करीब 7:30 बजे चलती है और उसके अगले दिन सुबह के करीब 5 बजे मानकाचर पहुँचती है, और मानकाचर से शाम के करीब 6 बजे चलती है और उसके अगले दिन सुबह के करीब 4 बजे गुवाहाटी पहुंचती है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, ये बस इस रूट के अलावा एक और रूट से होते हुए भी चलती है, तो रूट के अकॉर्डिंग इस बस का किराया और टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है। और फिलहाल इस ऑपरेटर के पास ये एक ही बस रहने की वजह से अगर आज ये बस गुवाहाटी से मानकाचर जा रही है तो आने वाला कल ये बस मानकाचर से गुवाहाटी आएगा और उसके अगले दिन फिर से ये बस गुवाहाटी से मानकाचर जाएगा। और इस गुवाहाटी मानकाचर रूट पर फिलहाल इस बस के अलावा कुछ और बस चलती है। दिन में शेयर कैब वगैरह चलती है और रात को ऐसे सुपर चलती है। मानकाचर से मैं दिन में आऊंगा तो आने के टाइम में कैसे आता हूँ वो भी इस वीडियो की अंत में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। ये एक पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से इस रूट पर बहुत बड़ा बड़ा चढ़ाई, ढलान और टर्निंग है। अब सवाल है, अब तक इस रूट की एक भी बस की टिकट ऑनलाइन रेड बस जैसे ऐप पर क्यों उपलब्ध नहीं है? मेरे ख्याल से इस रूट की बस की टिकट ऑफलाइन ही अच्छा खासा बुक हो जाता होगा, शायद इसीलिए इन बस की टिकट ऑनलाइन उपलब्ध करने की जरूरत नहीं पड़ा। बात करूं अगर डिस्टेंस की, तो गुवाहाटी से मानकाचर की डिस्टेंस के मुकाबले गुवाहाटी से तेजपुर की डिस्टेंस बहुत कम है, फिर भी गुवाहाटी से तेजपुर की बस की टिकट ऑनलाइन उपलब्ध है। बस की टिकट ऑनलाइन उपलब्ध रहने से पैसेंजरों के लिए बहुत सुविधा होता है। पैसेंजर अपने घर से बस का किराया और टाइमिंग पता कर सकते हैं और टिकट भी बुक कर सकते हैं। खैर, आप लोगों को क्या लगता है, इस रूट की बस की टिकट अब तक ऑनलाइन रेड बस जैसे ऐप पर क्यों उपलब्ध नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम रोंगराम में पहुंचे हैं। आज होटल में रोटी खाने की वजह से मेरा नींद नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है मैं आज बिना सोए सुबह तक सफर कर पाऊंगा। अब टाइम हो रहा है रात के करीब 2 और हम पहुंचे हैं मेघालय का वेस्ट गारो हिल्स जिला का मुख्यालय टूरा में। यहां से लेफ्ट की ओर ये रोड टूरा टाउन की ओर गई है। यहां से टूरा टाउन करीब 1 किलोमीटर दूर है और टूरा से मानकाचर करीब 50 किलोमीटर दूर है और ये डिस्टेंस कवर करने में हमें करीब 2 घंटे लगेगा। इस तरफ काफी हवा चल रही है जिससे मुझे मीठा मीठा ठंड का एहसास हो रहा है और इस तरफ काफी कोहरा भी पड़ा है। टूरा को पार करके कुछ आगे बढ़ने के बाद अब हम मेघालय के अंतर्गत स्थित गारोबादा में पहुंचे हैं। इस तरफ रोड की कंडीशन काफी खराब है। अब हम असम के अंतर्गत स्थित बागापारा में पहुंचे हैं।
बागापारा में इस बस से ज्यादातर पैसेंजर उतर गए। अब हम बहुत जल्द मानकाचार में पहुंचने वाले हैं। मानकाचार में पहुंचने से पहले मानकाचार के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। मानकाचार टाउन असम की साउथ सालमारा मानकाचार जिला में स्थित है और मानकाचार टाउन भारत बांग्लादेश सीमा की पास स्थित है और सुनने को मिला बिजनेस यानी कारोबार के लिए ये एक बहुत अच्छा जगह है। मेरे ख्याल से अब हम मेघालय के क्षेत्र से होते हुए गुजर रहे हैं। अंधेरा के कारण जगह को पहचानने में मुश्किल हो रहा है। गुवाहाटी से करीब 260 किलोमीटर दूरी को करीब 9 घंटे में कवर करके सुबह के करीब 4:30 बजे हम मानकाचार में पहुंचे हैं। ये मानकाचार का एक काफी बड़ा सब्जी मंडी है। यहाँ सुबह सुबह काफी दूर दूर से सब्जी आती है। अब मैं बहुत जल्द इस बस से उतरने वाला हूँ। मानकाचार में इस बस से उतरने से पहले ड्राइवर दादा से हाथ मिला के फिर से मिलने की उम्मीद लेके इस बस से मैं उतर गया। वैसे इस टाउन का एरिया काफी आगे तक है पर मैं यही उतर गया। ये बस यहाँ से कुछ और आगे तक जाएगा। बात करूँ अगर मेरे इस जर्नी एक्सपीरियंस की तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अगर आप में से कोई इस रूट पर यात्रा करने वाले हैं तो ये बस आप लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। खैर आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगले जर्नी वीडियो पूर्वोत्तर भारत की कौन सी रूट पर और किस बस के साथ देखना चाहते हैं बताइएगा। अब मैं मानकाचार से शेयर कैब से वापस टूरा होके गुवाहाटी जा रहा हूँ। मानकाचार से सुबह के करीब 5:30 बजे हम निकले थे और मानकाचार से गुवाहाटी तक इस शेयर कैब का किराया मेरा 650 रुपया पड़ा। अब टाइम हो रहा है दोपहर के करीब 12:30 और हम पहुंचे हैं गुवाहाटी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।